राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजधानी पटना आ सकते हैं। ये जानकारी सामने आ रही है जहां आज लालू प्रसाद यादव पटना आने वाले हैं। बता दें कि सरकार गठन होने के बाद पहली बार लालू यादव पटना आने वाले। इसके पहले ही जब तेजस्वी यादव शपथ ले रहे थे तब भी ये बात सामने आ रही थी कि लालू यादव यहां पर मौजूद रहेंगे, हालांकि उनके स्वास्थ्य कारणों के कारण वो पटना नहीं पहुंच पाए थे और आज वो पटना आने वाले हैं और कहा जा रहा है कि वो इसके बाद सीएम नीतीश कुमार से भी मिलेंगे। साथ ही कि राजद के जो विधायक हैं जो उनसे कुछ नाराज चल रहे थे उनसे भी आज लालू यादव की मुलाकात हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि सरकार गठन होने के बाद पहली बार लालू यादव पटना में होंगे और मंत्री पद नहीं मिलने से जो आरजेडी के विधायक नाराज हैं उन्हें भी मनाया जाएगा। और इस खबर पर जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण। मणिभूषण, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजधानी पटना पहुंचने वाले हैं। जी, ये पक्की खबर है। आज जो है लालू प्रसाद यादव देर शाम 6:30 बजे जो है वो पटना पहुंचेंगे। दिल्ली से लगभग 4:30 बजे की उनकी फ्लाइट है और वहां से वो पटना पहुंचेंगे। साथ में उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती हैं। जैसे सरकार का गठन हुआ तो वो लालू प्रसाद यादव जो है पटना आना चाहते थे, तो इसी सिलसिले में पटना आ रहे हैं क्योंकि वो जो शपथ ग्रहण था उसमें भी भाग लेना था उनको, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ पाए थे। लेकिन अब पक्की खबर है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो देर शाम जो 6:30 बजे पटना पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं में है जो एक बार फिर से जो है लालू प्रसाद के प्रति जो है वो जोश देखने को मिलेगी शाम 6 बजे। तो लालू प्रसाद यादव एयर इंडिया की फ्लाइट से अपनी बड़ी बेटी के साथ पटना पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल मणिभूषण, यहाँ पर ये तो बड़ी खुशखबरी राजद कार्यकर्ताओं के लिए कि लालू प्रसाद यादव सरकार गठन होने के बाद पटना आने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि आरजेडी में कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद नहीं मिलने पर थोड़े नाराज चल रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करने वाले लालू यादव। देखिए तो वही है, लालू प्रसाद यादव आएंगे तो सभी जो नेता हैं और विधायक जो बने हैं खासकर, तो उन सभी से उनका मुलाकात होगी और उसके बाद जरूर ही अपने नेता से कुछ आश्वासन मिलेगा, उसके बाद जो है नाराजगी भी दूर होगी। और वही आपने देखा भी होगा कि कई कांग्रेस में भी नाराजगी है, तो हो सके तो लालू प्रसाद यादव के पहुंचने के बाद जो है सभी जो जितने भी नेता हैं और कांग्रेस और आरजेडी में जो नाराजगी है वो लगता है समाप्त हो जाएगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हैं और लालू प्रसाद यादव की बातें सभी लोग मानते हैं। तो आने वाले समय में है जो भी उहापोल लगी हुई है अपनी अपनी पार्टी में, तो वो सब समाप्त हो जाएंगी। जी बिल्कुल मणिभूषण, और उनके आने के बाद हमें लगता है कि 2013 और 15 में जो हमने तस्वीरें देखी थी नीतीश और लालू की दोस्ती की, वो दोबारा आप देखने मिलेगी। जैसे ही लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचेंगे उसके बाद जरूर नीतीश कुमार उनसे हाल चाल और उनकी स्वास्थ्य जो है उनको देखने जरूर राबड़ी आवास पहुंचेंगे। हालांकि लालू प्रसाद यादव तो सीएम आवास नहीं जा सकते हैं, लेकिन जरूर है मुख्यमंत्री जो है उनसे हाल चाल जानने जरूर आएंगे। देर शाम आएंगे या अगले सुबह जो है जरूर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार से सामने आ रही है और आज लगभग शाम 4 बजे लालू प्रसाद यादव की फ्लाइट है और वो सीधे राजधानी पटना पहुंचने वाले हैं। तो सरकार गठन होने के बाद पहली बार लालू यादव यहां पर राजधानी पटना में होंगे।